सीमा पर तैनात जवान की पत्नी पर दरोगा ने की गोलियों की बौछार। जवान की पत्नी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। जवान की पत्नी ने सुनाई गालीबाज दरोगा की करतूत। हिंदुस्तान में नारी और देश की सीमा पर तैनात जवान के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मोदी सरकार में तो देश की सेवा करने वाले जवानों के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और नारियों के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जमीनी तौर दोनों का सम्मान कैसे हो रहा है उसे देख आप शर्मिंदा हो जाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर अमेठी जिले की मुसाफिरखाना थाने के औरंगाबाद गांव की है और यह है योगी जी की पुलिस। दरोगा अपनी टीम के साथ एक घर में घुसते हैं और महिला के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि महिला सम्मान बढ़ाने वाली योगी सरकार में महिला को अपमानित किया जा रहा है, वो भी उस महिला का जिसका पति देश की सीमा पर तैनात है और देश की रक्षा कर रहा है। दरोगा जी की करतूत जवान की पत्नी की जुबानी सुनिए। मेरा नाम आफरीन बानो है, मेरे हस्बैंड का नाम सिराज अहमद है, मेरा गांव पूरे जुरई है, थाना मुसाफिर खाना। मेरा पुस्तैनी जमीन थी जो गुलाम अली अकबर ने कब्जा कर लिया पुलिस प्रशासन। जब हमने उस पे बोला तो पुलिस आके गाली गलौज करके उसे उसकी दीवार बनवा दिए और उसके बाद मुझे गाली धमकी दी। धमकी देने के बाद हमारे घर से वीडियो बना रहे थे तो मोबाइल छीन कर लेके चले गए, हमारे साथ बदसलूकी भी की। कौन पुलिस थे, क्या नाम था उनका? राजेश तिवारी दरोगा थे और सिपाही अजय गिरी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? जो है उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की, हमारे साथ धक्का मुक्की भी की। तो सुना आपने, यूपी पुलिस देश के जवान का कैसे और कितना सम्मान कर रही है। दीवार बनाने के लिए दरोगा जी ने कैसे अपनी रंगबाजी दिखाई और भूल गए कि वे मोदी और योगी सरकार के अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।